नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों के बारे में। हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे। इसमें अब ये देखेंगे कि हाल में किस कारण से चर्चा में बने हुए हैं। और वैसे भी आप लोग सोशल मीडिया पर हर जगह देख रहे होंगे कि अमेरिका हमारा साथी है, अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, अमेरिका ने चीन के साथ ये किया वो किया। इस तरह की सोशल मीडिया पर आपको मैसेज भी मिलते रहते हैं। तो एक हकीकत बताएंगे कि अमेरिका है क्या, हमें खुशी होना चाहिए या भारत को या दुख होना चाहिए। ठीक है, संबंधों की, इन दोनों देशों के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कब से संबंध चले आ रहे हैं इनकी, उस पर भी बात करेंगे। महत्वपूर्ण समझौते देखेंगे जो ऐतिहासिक घटनाक्रम में हुए हैं इन दोनों देशों के बीच, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच। सहयोग के क्षेत्र देखेंगे, भारत व अमेरिकी साझेदारी के मायने देखेंगे और चुनौतियां भी देखेंगे। आगे की राय क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। अगर आपके भी मन में कोई विचार है तो आप नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए किसी भी, वो आप कहते नहीं आप दोस्ती किस लिए करते हैं, अगर आपको मालूम रहे कि ये दोस्त बिल्कुल किसी काम का नहीं है तो मुझे ही लगता है कि इस समय में दोस्ती करेगा कोई, समझ रहे हैं हम, मतलब उसे देखते हैं कि ये हमारे काम आ सकता है आगे चल के, तभी हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ये हकीकत बन चुकी है इस टाइम की। तो यही देशों का हाल है, आज अमेरिका हमारी तरफ झुक रहा है, आप देख रहे होंगे। एक समय हुआ करता था कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, और रूस हमारा दोस्त हुआ करता था, यानी कि भारत का अच्छा दोस्त हुआ करता था। लेकिन समय बदलते हुए आपने देखा कि अभी करंट की स्थिति कहें तो देखिए, अमेरिका हमारी तरफ झुक रहा है, चीन चीन और पाकिस्तान की तरफ रूस झुक रहा है। तो याद रखिए अमेरिका क्या करता है कि बहुत मतलबी टाइप का दोस्त है, क्योंकि आप जानते हैं चीन को अगर प्रतिस्थापित करना है इसे, तो दक्षिण यानी कि एशिया में एक ऐसा देश चाहिए उन्हें, उसे साथी जो चीन को टक्कर दे सके, और इसी का फायदा अमेरिका उठा रहा है। एक बार मैप्स में आप लोगों को स्थिति बता देता हूं सभी देशों की। ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में, ये आप चीन देख रहे होंगे, और ये पाकिस्तान पड़ोसी आपका रूस ये है, ठीक है, ये रूस है। पाकिस्तान की बात करें अगर हम लोग, तो ये उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। इसमें आपके याद रखिए, इसे अमेरिका सामान्य तौर पर लोग अमेरिका कहते हैं, ठीक है, इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अब आर्टिकल को देखते हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है आर्टिकल में। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका अभूतपूर्व सहयोग प्रदर्शित कर रहे हैं। यह सहयोग न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र तथा सामरिक क्षेत्र में भी लगातार बढ़ रहा है। भारत चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद से अमेरिका और भारत के संबंधों में घनिष्ठता दिखाई दे रही है। इन परिस्थितियों में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। आप एक बात सोचिए कि जब हमने देखा कि हमारा और चीन का झड़प हुआ अक्साई चीन को लेकर, अगर मैप्स में आपको बताऊं तो अक्साई चीन ये है आपका, यहाँ देखिए यहाँ, तो अमेरिका ने हमारा सपोर्ट किया, समझ रहे हैं, यानी कि आप समझिए कि हर तरह से आप देख रहे हैं कि चीन एक विस्तारवादी नीति अपना रहा है। एक समय आप देखते थे कि जो अंग्रेज थे वो विस्तारवादी नीति अपनाते थे, वैसा ही रोक अब चाइना का हो चुका है। तो चाइना को रोकने के लिए अमेरिका हमारी तरफ पूरी तरह से झुकाव दे रहा है। बहरहाल भारतीय सीमा पर हुई हिंसक झड़प घटना को छोड़ भी दें तो पिछले कुछ समय में से चीन के व्यवहार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी है। ऐसा सिर्फ सामरिक मामलों में ही नहीं बल्कि व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी हुआ है। और आप जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार युद्ध भी चल रहा है, इसे शीत युद्ध, सेकेंड शीत युद्ध के नाम से भी कई लोग नाम दे रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए चीन का ये हालत अभी कि जितने देशों से उसकी सीमा लगती है लगभग सभी से सीमा विवाद चल रहा है चाइना का। यही कारण है कि अमेरिकी राजनीति आज समान रूप से चीन के प्रभाव को प्रति संतुलित करना चाहती है। पूर्वी लद्दाख तथा दक्षिण चीन सागर में चीन का रुख किसी कारणवश नरम हो जाए तो भी भारत या फिर बाकी दुनिया का व्यापारिक समीकरण उसके हाथ उसके साथ पहले जैसा नहीं रह जाएगा। आप लोग दक्षिण चीन सागर की बात करते रहते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, ये है देखिए दक्षिण चीन सागर, इसे लेकर भी विवाद चलता रहता है, क्योंकि चीन इस पर अपना दबदबा ठोकता रहता है।
हांगकांग का मुद्दा देखते हैं आप लोग, ये हांगकांग है, ताइवान का मुद्दा देखते रहते हैं, ये ताइवान है, ठीक है। विश्व व्यवस्था में हो रही परिवर्तन का लाभ भारत उठाए, यह समय की मांग है। प्रश्न यह है कि चीन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए भारत को अमेरिका पर कितना विश्वास करना चाहिए? ध्यातव्य है कि कुछ समय पूर्व अमेरिका ने भारत के व्यापारिक हितों के विरुद्ध कुछ कदम इतने उग्र ढंग से उठाए थे कि देश में इसके खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। अभी भी आप देखेंगे कि अमेरिका के जहाँ तुलना में हम लोग चाइना से बहुत कुछ आयात करते हैं। आपको बताया ना मैंने कि आपके यहाँ अगर 4 फोन बिक रहे हैं तो ये मानिए कि उनमें से 3 फोन चाइनीज कंपनियों के हैं। आप किसी भी मामले में देख लीजिए, चाइनीज ही चाइनीज कंपनियों के प्रोडक्ट आपके यहाँ दिखाई देंगे। हम जो दवाइयाँ भी बनाते हैं कहा जाता है उसमें भी आपका 70 से 75% कच्चा माल हम लोग चीन से आयात करते हैं। तो इसे हम लोगों को कम करना होगा, एक बहुत बड़ा व्यापार घाटा भी हमारा है। संबंधों की अगर दोनों देशों यानी कि अमेरिका और भारत के संबंधों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, अगर हम लोग भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास कई मामलों में समान रहा है। दोनों ही देशों ने औपनिवेशिक सरकारों के खिलाफ संघर्ष कर स्वतंत्रता प्राप्त की है। अमेरिका ने आप लोग जानते हैं 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, और भारत की बात करें तो 1947 से, यानी कि एक बहुत लंबा गैप है इनके बीच। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दोनों ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, परंतु आर्थिक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में भारत तथा अमेरिका के दृष्टिकोण में असमानता के कारण दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह समर्थक रहा है, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के संदर्भ में समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया गया है। यहाँ पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूंजीवादी का आप लोग इस तरह से मतलब निकाल लीजिए कि पूंजीवादी जो भी अर्थव्यवस्था रहती है उसमें लाभ को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मानव कल्याण को कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है, याद रखिए। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्रॉफिट कम ही देखा जाता है लेकिन समाज कल्याण को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया, वहीं भारत ने गुट निरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में तटस्थ बने रहने की विचारधारा का समर्थन किया। आप जानते हैं कि रूस एक तरफ रूस था शीत युद्ध में, दूसरी तरफ अमेरिका था, सोवियत संघ रूस कहते थे पहले, रूस को सोवियत संघ कहते थे। ये जाके 1991 में खत्म होता है शीत युद्ध, ठीक है। याद रखिए हमारे भारत ने क्या किया, क्योंकि हम लोग 1947 में दूसरी शक्तियों से आजाद हुए थे और इस तरफ शीत युद्ध चल रहा था, तो हम लोगों ने ना तो रूस में सम्मिलित हुए और ना ही आप सोचिए कि अमेरिका में सम्मिलित हुए। हम लोगों ने एक बीच का रास्ता, गुट निरपेक्ष दल का सदस्य के रूप में बन गए हम लोग, यानी कि हमने किसी का साथ नहीं दिया। 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति में बदलाव के परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिला तथा पिछले एक दशक में इस दिशा में अभूतपूर्व प्रगति भी हुई है। एक और बात याद रखिए, हमारे यहाँ जो आर्थिक सुधार हुआ 1990-91 का, इसी के बाद हमारे देशों मतलब बाकी देशों से संबंध हमारे बनने कुछ बड़े स्तर पर शुरू हुए। इसी के बाद व्यापार में भी हम लोगों ने सुधार किया और एक अच्छा फायदा भी हुआ इसका, ठीक है, वैश्वीकरण, आप लोग वैश्वीकरण का दौर कहते हैं जिसे। अगर हम दोनों देशों के बीच अगर महत्वपूर्ण समझौतों का ऐतिहासिक घटनाक्रम देखें तो सामान्य सैन्य सुरक्षा सूचना समझौता वर्ष 2002 में हुआ, भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008 में हुआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये सन 2016 में हुआ, भारत अमेरिकी सामरिक ऊर्जा भागीदारी ये सन 2017 में, संचार संगता और सुरक्षा समझौता वर्ष 2018 में, आतंकवाद विरोध पर द्विपक्षीय संयुक्त कार्यदल की बैठक पिछले वर्ष यानी कि मार्च 2019 में। ये समझौते आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी आपके 2000 मतलब आप सोचिए कि 1991 के बाद ही ये बनाए गए हैं, समझ रहे हैं आप। अब बात करते हैं अगर सहयोग के क्षेत्र देखते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि सहयोग, अगर आप सोचिए जब कोई मतलब ना हो किसी देश को तो वो किस लिए हमारे मतलब दोस्ती करेगा, तो कुछ तो इनके बीच होगा ऐसा कि दोस्ती की जरूरत पड़ रही है। तो ये सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र, वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को
स्वास्थ्य सहायता के तौर पर करीब 60 लाख डॉलर की सहायता दी है। भारत ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाओं की खेप प्रदान की है। इस दवा को आप लोगों ने उस समय सुना होगा, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने मांगी नहीं थी, उन्होंने एक मतलब हड़प टाइप की दी थी, धमकी टाइप की कि मुझे चाहिए, एक होता है कि कृपया मुझे दे दीजिए, वो मतलब इसमें विनम्रता दिखती है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया था उस समय, मतलब एक आप सोचिए कि धमकी टाइप की दी हुई थी इस दवाई के लिए। मानसिक स्वास्थ्य के मामले में सहयोग के लिए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही नशीले पदार्थ दवाओं पर नियंत्रण के लिए अमेरिका के काउंटर नार्कोटिक्स वर्किंग ग्रुप के माध्यम से सहयोग हुआ है। एक बात और याद रखिए, अभी सबसे ज्यादा अगर कोई देश प्रभावित हुआ है कोरोना वायरस से तो इसमें अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था आप सोचिए कि बहुत बुरी तरह से चरमरा चुकी है। वैसे चरमरा तो हर देश की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हर देश आपने देखा है पूरी तरह से ठप पड़े रहे। अब इन दोनों देशों के बीच की रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद पर सहमति बनी। हालिया समझौते के अनुसार भारत अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का आयात करेगा, यानी कि हम भारत से खरीदेंगे। इसके साथ ही समझौते के तहत अमेरिका से उन्नत रक्षा प्रणाली, हथियार युक्त और गैर हथियार वाले ड्रोन विमानों का आयात भी किया जाएगा। अन्य सुरक्षा मुद्दों में दोनों देशों ने मानव तस्करी, हिंसा का अतिवाद, साइबर अपराध, ड्रग तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के साथ मिलकर निपटने पर सहमति भी जाहिर की है। ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल LNG लिमिटेड के बीच प्राकृतिक गैस के आयात पर भी सहमति बनी हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग तेल, कच्चे तेल और का बहुत बड़े आयातक हैं। आप समझिए कि 80-85% हम लोग बाहरी देशों से आयात करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने ईंधन नहीं है, इतने उपलब्ध संसाधन नहीं है कि हम अपना पूर्ति कर लें, समझ रहे हैं। भारत में नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत में अपनी वित्तीय इकाई की स्थापना के माध्यम से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और बेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के सहयोग से भारत में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की योजना जल्दी अंतिम रूप देने पर सहमति जाहिर की है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी हस्तांतरण पर भी समझौते किए गए हैं। फिर आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में भारत और अमेरिका ने आसियान को केंद्र में रखते हुए एक स्वतंत्र, खुले, समायोजित और समृद्ध हिंद प्रशांत की अवधारणा का समर्थन किया। दोनों देशों ने दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी देशों के हितों की रक्षा के लिए एक सार्थक आचार संहिता के निर्माण पर भी बल दिया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर उन्नत एवं प्रभावी विकास को बढ़ाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए अन्य देशों में सहयोग के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विकास भागीदारी प्रशासन के बीच नई साझेदारी की पहल का समर्थन किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारत, जापान, अमेरिका त्रिपक्षीय सम्मेलन, रक्षा और विदेशी मंत्रियों की 2+2 वार्ता, यानी कि इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं दोनों देशों के, यूएसए के और भारत के, भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान क्वाड जिसे कहते हैं आदि के माध्यम से सहयोग और परामर्श को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं भारत और अमेरिकी साझेदारी के आखिर मायने क्या है, क्या मतलब है इनके, समझ रहे। सन 2018 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 142 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है, जो वर्ष 2017 के द्विपक्षीय व्यापार से 12.6% अधिक है। गौरतलब है कि अमेरिका भारतीय सेवा क्षेत्र और अन्य कई उत्पादों के लिए विश्व का सबसे बड़ा बाजार भी है। वर्ष 2018 में भारत से अमेरिका को हुए निर्यात की कीमत लगभग 54.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर
वर्ष 2017 से 11.9% अधिक थी। वर्ष 2018 में ही अमेरिका से लगभग 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2017 से 30.6% अधिक की वस्तुओं का आयात हुआ है। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा उपकरणों के व्यापार में तकनीकी के हस्तांतरण को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं दोनों देशों के बीच। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर अमेरिका का समर्थन दक्षिण एशिया तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्व को दिखाता है। याद रखिए, संयुक्त राज्य जो सुरक्षा परिषद है, इसमें सुधार की बात भारत हमेशा करता आया है, समझ रहा है? तो हमारे पक्ष में आप देखिए, फ्रांस को देख लीजिए और अमेरिका को देख लीजिए, ये कुछ देश हमारे पक्ष में है, समझ रहे हैं? चीन, लेकिन हमें इसमें स्थायी मतलब एक वीटो पावर रहती है, 5 देशों को मिली हुई है। तो भारत भी चाहता है कि इसमें हमें भी शामिल किया जाए, तो इसमें अभी तो नहीं, देखिए आगे क्या होता है, बात करते रहते हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपके जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और राष्ट्रीय संगठन है, उनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी डले हुए हैं, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। आगे, भारत और अमेरिका समर्थन के माध्यम से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन को विभिन्न विवादित मुद्दों पर वार्ता करने के लिए तैयार कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत की सीमा में चीनी सेना के प्रवेश करने के मुद्दे को चिंताजनक करार दिया। चीन द्वारा पूर्व में वैश्विक महामारी के संबंध में जानकारियों को छिपाने तथा अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं का अतिक्रमण करने के कारण विश्व बिरादरी के सम्मुख अलग थलग हो गया है। आप लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस को डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, चाइनीज वायरस। भारत को वर्ष 1980 के दशक में चीन के साथ हुई सीमावर्ता हो या फिर जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने की चीन की नीति को बंद करने के लिए दबाव डालना हो, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ। एशिया महाद्वीप में चीन के बढ़ते प्रभाव को पिति संतुलित करने के लिए भारत अति आवश्यक है। यही पॉइंट अमेरिका के लिए सबसे जरूरी इस समय है। क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली शक्ति शून्यता को भरने के लिए भारत की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बुरी कोई अभी सॉल्यूशन नहीं निकला है वहां अफगानिस्तान में, उससे पहले ही अमेरिका वहां से निकल रहा है। नवंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी होना है। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी निवास करते हैं, ऐसे में भारत के साथ अमेरिका के बेहतर संबंध प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति पद के चुनाव को प्रभावित भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो प्रवासी, एक तरह से आप सोचिए कि हमारे यहाँ के लोग वहां जाकर नौकरी करते हैं, और एक बहुत बड़ा चुनाव में भी उनका योगदान रहता है। अब चुनौतियों की अगर हम बात करें कि दोनों देशों के बीच आखिर संबंधों में चुनौतियां कहाँ दिखाई देती हैं। अफगानिस्तान समस्या के मुद्दे पर भारत तालिबान के प्रत्यक्ष भूमिका के विपरीत स्थानीय लोकतांत्रिक सरकार और मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा स्वास्थ्य में सहयोग के माध्यम से शांति समाधान का समर्थन करता है। पाकिस्तान के संदर्भ में भी अमेरिका और भारत के दृष्टिकोण में अंतर है। समन्वित भारत अमेरिका दृष्टिकोण के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब नए अमेरिकी कानून तथा ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका अलग होने के कारण और अधिक प्रतिबंधों का खतरा उत्पन्न हो गया है। काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रोस सैंक्शन एक्ट, ये अभी अमेरिका में नया कानून आया हुआ है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान में आप लोग चाबहार का पोर्ट का निर्माण कर रहे थे कुछ समय, यहाँ हम लोग कई तरह की योजनाओं पर भी काम कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका ने जिस तरह से सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिस तरह से प्रतिबंध लगाए हुए हैं ईरान पर, हम लोगों ने वहाँ छूट दे दी, हम लोगों ने बंद कर दिया अपने प्रोजेक्ट। उसके बाद आपने देखा है कि ईरान ने क्या किया कि चीन से समझौता करके वहाँ प्रोजेक्ट करने लगा है। तो एक इस पर भी विवाद चलता रहता है। आप सोचिए कि ईरान में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए हुए, तो भारत भी खर्च नहीं कर सकता है। आप भारत इंतजार कर रहा है कि 2020 का चुनाव होगा राष्ट्रपति का अमेरिका में, उसके बाद हो सकता है कि बदलाव देखे यहाँ कुछ। तो ईरान से भी हमारे इसी पर
इसी मतलब पॉइंट पर रिश्ते खराब बने हुए हैं। मध्य पूर्व, विशेषकर ईरान के संदर्भ में भारत के विचार अमेरिका की आक्रामक नीति से अलग है। इसी तरह भारत और रूस ऐतिहासिक रूप से रक्षा के साथ कई अन्य क्षेत्रों में व्यापक व्यापार से जुड़े हैं, परंतु रूस पर अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंधों से भारत के लिए अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाना कठिन हो गया है। भारत के लिए यह समस्या ईरान और अमेरिका के साथ संबंध संतुलन में भी है। एक बात और आपको बताऊं, आपने नॉर्मल से जिंदगी में आप लोग भी देखते हैं कि अगर आपका कोई दुश्मन है, उससे अगर आपका दोस्त मिल जाता है, तो ये दोस्त जो होता है आपका, इससे आपकी दोस्ती टूट जाती है। यही होता है, मतलब कहते हैं कि ना कि दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त हमारा, तो वही हाल इसका है। जैसे ही हम लोग रूस की भी बात करते हैं, या आप सोचिए कि ईरान का सपोर्ट करते हैं, अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। द्विपक्षीय व्यापार में कृषि उत्पादों, व्यापार सब्सिडी और कुछ उत्पादों के आयात शुल्क जैसे हार्ली डेविडसन बाइक पर आयात शुल्क जैसे मुद्दों पर अमेरिका भारतीय नीति से सहमत नहीं रहा है। अमेरिका का सीधा सा मतलब अप्रोच है एक तरह से कहने का कि हमारी बात मानिए, सीधी बात, हम कह रहे हैं कि ये पानी है तो बोलिए पानी है, हम बोल रहे हैं कि यह दूध है तो बोलिए दूध है, मतलब हाँ में हाँ मिलाइए, तब अमेरिका खुश है, समझ रहे हैं? आगे की राय क्या हो सकती है उस पर भी बात कर लीजिए। भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाते हुए भारत को नवीन तकनीकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका से अन्य देशों से भी व्यापक विदेश निवेश को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक बात याद रखिए, हम लोग अमेरिका पर पूरी तरह से भरोसा कभी नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें मतलब हमें भी मतलबी बनना चाहिए। आप भी जानते हैं कि जब सामने वाला मतलबी है, वो अपना मतलब निकाल रहा है, तो हमें क्या जाता है उसमें, हमें भी निकाल लेना चाहिए अपना मतलब, यही देखा जाए। भारत अमेरिका संबंधों के सुधार और दोनों देशों अनेक क्षेत्रों जैसे तकनीकी, अर्थव्यवस्था आदि के प्रवास विकास में प्रवासी भारतीय जैसे वर्तमान आबादी का लगभग 4 मिलियन अमेरिका में भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में क्षेत्र में परस्पर सहयोग जैसे वीजा नियमों में सुधार आदि के प्रयास किए जाने चाहिए। आपने देखा है कि अभी जो आपके वीजा के प्रावधान है वहाँ, जो भी H-1 वीजा देखा इस तरह के जो भी हैं, उस पर आपने देखा है कि अमेरिका कुछ प्रतिबंध भी लगा रहा है, ये भी मुद्दा बना हुआ था, कल ही परसों हम लोगों ने आर्टिकल भी देखा था इससे संबंधित। विश्व के अन्य क्षेत्रों जैसे अफ्रीकी देशों आदि में नए अवसरों की तलाश और चुनौतियों के निवारण में USAID जैसे प्रयासों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये कहानी थी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संबंधों की, ठीक है? कुछ पॉइंट हैं याद रखिए, या नहीं याद रख सकते हैं, वैसे आपका सिविल सर्विस हो फिर स्टेट PCS, इसमें सब में आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से टॉपिक ही पूरा है, उसमें सभी देशों के साथ संबंधों पढ़ाए जाते हैं। बस ये पॉइंट इससे मतलब हर समय चर्चा में बना रहता है, तो आंसर अगर लिखना है आपको कहीं, तो इस तरह के पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है?